नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है मॉनसून की शुरुआत में ही चंडीगढ़ शहर की बदहाली आखिर कैसे हो गई। मॉनसून की शुरुआत हो गई है लेकिन प्रशासन और नगर निगम बेफिक्र हैं। इसकी वजह से चंडीगढ़ शहर में कई जगह पर जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। लोगों की लगातार शिकायतों के बाद भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स में जहरीले जीवों का खतरा बढ़ गया है जिसकी वजह से आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन और नगर निगम रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तो आखिरकार मानसून की दस्तक में ही इस तरह से बदहाली क्यों हो चुकी है? आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं यहां पर हो चुकी है, पार्क बदहाल हैं और वहां पर किस तरीके से जहरीले जीवों की स्थिति देखने को मिल रही है। शहर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। चंडीगढ़ की बदहाली आखिरकार क्यों है, क्यों समय पर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता? हर साल मानसून आता है, हर साल बारिश होती है, उससे पहले उसके बाद की स्थितियां इसी तरह से होती है। क्यों आखिर प्रशासन सबक नहीं लेता है? समय से पहले नालों की सफाई क्यों नहीं होती है, पार्कों की सफाई क्यों नहीं होती है? आखिरकार किस बात का इंतजार किया जाता है? लगता है कि किसी तरह का कोई हादसा होता है, उसके बाद ही प्रशासन सबक सीखता है, उसके बाद ही प्रशासन जागता है। लेकिन ये हालात आखिर क्यों बनते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन पहले से सतर्क क्यों नहीं होता, पहले से काम क्यों नहीं किए जाते, क्यों आखिरकार बारिश का इंतजार होता है, उसके बाद प्रशासन अपनी स्थिति सजगता दिखाने की कोशिश करता है। अभी फिलहाल आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं यहां पर हो चुकी है। मानसून की शुरुआत हो गई, बारिश की शुरुआत हो गई है और जो नाले हैं वो गंदगी से अटे पड़े हैं। तो इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला का। जी सर, पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में एक्टिविस्ट हैं आर के गर्ग, मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है महिला की दीपा अधीर दुबे, मेरे साथ में सिप्रा बंसल जुड़ेंगी जो भारतीय जनता पार्टी की मनोनीत पार्षद हैं। और मैं सिप्रा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, आ रही है। तो मैं शुरुआत गर्ग साहब से ही करना चाहूंगा। गर्ग साहब, जिस तरह के हालात हैं, जो चीजें हैं आपके सामने हैं सब कुछ, कि किस तरीके से पूरे शहर में इस समय जो है बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, पार्कों में हो चाहे दूसरी जगह हो जहां पर बच्चे खेलते हैं, सारी जगह है गंदगी के ढेर लगे हैं और उन गंदगी के ढेर में जो ये हल्की सी बारिश हुई उससे सड़ांग पैदा हो गई है, पूरा बदबू कर रहा है, ये हालात है। तीसरी चीज ये है कि गार्बेज को कलेक्शन करने के नाम पर लूट सी मची हुई है, जबकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, बावजूद इसके गार्बेज के कलेक्शन लिए के पैसे लिए जाने लगे, लोगों के बिल में जुड़ के आने लगे, तो इस तरह से पूरी एक अराजकता की स्थिति हो गई है। ये नहीं समझ में आता कि सरकार है कि एक लूट का साधन है। तो गर्ग साहब, इस पे बताएं कैसे क्या है और क्या चीजें आप देख रहे हैं लगातार। जी, पहली बात तो इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद और आपने ये प्रोग्राम लगातार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और शिप्रा जी का और मिसेस दुबे का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। हमें ये बड़ी कहने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि हमारे पास इतना सारा, छोटी सी एक मूर्ती है 114 स्क्वायर किलोमीटर की और इतना बड़ा अमला हमारे पास है, उसमें भी आबादी सिर्फ जो है 54 स्क्वायर किलोमीटर में है। हाँ, 54 स्क्वायर किलोमीटर में है और चलो उसमें इतना बड़ा अमला है हमारे पास, किसी भी यूटी से ज्यादा अमला हमारे पास है नहीं। गर्ग साहब, इसमें ये भी बताना पड़ेगा पूरे विश्व में जो मानक है उस मानक से पर कैपिटा और पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ प्रशासनिक और पुलिस फोर्स है और दूसरे मुलाजिम है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा कंसर्न का बनता है, इतना सारा अमला। मुझे ऐसा लगता है कि एक होता था कि हम जो है प्रशासन के बोझ तले दब रहे हैं, हमारे यहाँ मोर ऑफ गवर्नमेंट लेस ऑफ गवर्नेंस हो रही है। जितना भी हमारे पास जो भी काम होता है ये पता नहीं लगता मुझे कि बारिश आती है तो फिर छाता ढूंढने लगते हैं। पहले इनको पता नहीं लगता कि मौसम विभाग ने एक भविष्यवाणी की है कि बारिश होने वाली है तो छाता तो पहले तैयार रख लो,
ये छाता खरीदने के लिए चलते हैं उस वक्त जब बारिश हो चुकी होती है। तो ये जो सिस्टम है जो सारा का सारा, ये प्रशासन की नाकामी है, ये सो रहा है हमारा। दूसरी बात, ये जो जगह जगह पे जितना सारा गंद होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो स्वच्छ भारत अभियान जो था चला था वो कहाँ गया। मैंने कई बार आगे भी पूछा है, स्वच्छ भारत अभियान में जो पैसे आते हैं उसका क्या प्रयोग हो रहा है। एक बार तो मैंने ये पाया था कि इन्होंने कुछ खर्च ही नहीं किया, 2 साल पहले बिल्कुल खर्च नहीं किया, खाली ऐसे पड़ा हुआ था। ये आपका स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कितना पैसा इनके पास अवेलेबल होता है, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। और दूसरी, अभी देखिए इतनी बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, लोगों को कुछ नहीं लेना, लोग बिल्कुल ही सुप्त हैं। जितनी हमारी प्रशासन सुप्त है उतने लोग सुप्त, ये सारी त्रासदी हो रही है। हमें तो पता नहीं है, सिटी ब्यूटीफुल हम कहते थे बहुत पहले, 40 साल पहले, की सिटी ब्यूटीफुल है हमारा, हम एंजॉय करते थे इसको। आजकल सिटी ब्यूटीफुल नहीं रहा, अब तो सिटी अनब्यूटीफुल हो गया। ये क्या करूं मैं, मुझे तो बड़ा दुख होता है, मेरे दिल में बड़ा दर्द होता है कि ये देख देख के क्या होता है, पता नहीं क्या होगा ये। चलिए मैं दीपा जी के पास जाना चाहूंगा। दीपा जी, जिस तरीके की बात गर्ग साहब ने कही, गर्ग साहब किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था तब भी वो आरटीआई के जरिए एक क्रांति किया करते थे, आज जब भाजपा है तब भी वो जीवित व्यक्ति कह सकता हूं है, क्योंकि 90% तो आरटीआई एक्टिविस्ट भाग गए, उसने कुछ बना लिया कुछ ने कुछ बना लिया, तो वो स्थिति है। लेकिन अब स्थितियां जो है ये, हम मैं किसी पार्टी वाइज बात नहीं करना चाहता हूं, मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज है ये शहर आपका है, आप तीनों तो कम से कम यहीं के जन्मे और बड़े हुए लोग हैं। मैं चलिए बाहर से आया, मैं भी, मुझे भी 20 साल हुए हैं इस शहर को देखते देखते, तो आप ये जो मैं 20 साल पहले 10 साल पहले शहर देखता था, आज वो शहर 10 साल बाद में यदि मैं देखता हूं, 2011 से ही तुलना करता हूं, तो 2011 में और 2021 में जमीन आसमान का फर्क है। मैं लोगों से कहता था चंडीगढ़ इतना सुंदर है, आइए आपको दिखाएं, घूमने के लिए बुलाता था मैं अपने यहाँ यूपी से लोगों को। आज मैं नहीं कहता हूं किसी को, क्योंकि मैं जब यूपी के शहरों में जाता हूं तो यूपी के शहर कई जगह पे हमें ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। आप, मैं अभी हाल के दिनों में आगरा गया, आगरा में जब, जिन दिनों मैं हिंदुस्तान टाइम्स का वहां एडिटर हुआ करता था, उस दौरान जो आगरा था उस समय की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन वहां पर बीजेपी के ही मेयर हैं नवीन जैन, और उनके आने के बाद में उन्होंने जितना काम किया और प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर काम किया, कि मुझे आश्चर्य हुआ पिछले एक साल के दौरान जब मैं वहां गया, मैंने फेसबुक पे और ट्विटर पे लिखा कि मैंने सचमुच आगरा बदल गया। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, लखनऊ जाता हूं तो लखनऊ बहुत अच्छा हो गया, हालांकि लखनऊ सदैव से अच्छा था, अटल जी के भी समय में अच्छा था, उसके बाद भी अच्छा था, लेकिन लखनऊ बहुत अच्छा हुआ, उसमें अखिलेश ने भी बहुत अच्छा काम किया, मायावती ने भी किया है, तो इन सारे लोगों का योगदान रहा। कांग्रेस के समय में एक बहुत बेहतरीन लखनऊ बना था। तो ये सारी चीजें कि पुराना शहर भी अच्छा है, नया शहर भी अच्छा है, स्वच्छता भी कायम हुई, लेकिन आबादी जबकि वहां पर तब से 2 गुना हो गई है, 50 लाख की आबादी वाला शहर ज्यादा अच्छा है और 12.5 लाख 13 लाख की आबादी वाला शहर बदतर होता जा रहा है। जी दीपा जी, इसके पीछे ये कारण है, मैं आर के गर्ग जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब छाता खोलने का टाइम आता है तो ये छाता घसीटते हैं। गर्ग साहब ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब जब छाता ये खोलते हैं तो उसकी तारे सब टूटी हुई होती हैं। तो जो बात है वो ये कहना चाहती हूँ कि जो नगर निगम हमने बनाई वो किसके लिए बनाई, वो एक बॉडी, पेरेंट बॉडी के साथ एक बॉडी कंस्ट्रक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि उनको हेल्पफुल होगी और जनता के लिए होगी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमारा नगर निगम जो है वो बिल्कुल नाकामयाबी के ऊपर खड़ा हुआ है। जल जमाव की समस्या हर साल आनी है, पता है बरसातें आने वाली हैं, निश्चित टाइम पीरियड पे आने वाली हैं, तो हमारी रोड गली साफ पहले क्यों नहीं होती? अगर रोड गली प्रॉपर साफ होगी तो जल जमाव नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि किसी भी रोड गली, किसी सेक्टर कॉलोनी की उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितने कूड़े के पत्ते वहां से उठते नहीं है जो वो रोड गली के ऊपर आके बैठ जाते हैं, और पानी जो है वो निकासी के लिए नहीं होता, और सड़ सड़के उसमें जो है वो आजकल अब डेंगू का आगमन होने वाला है, वो इसी वजह से होने वाला है। जब हमारे काउंसलर ही सो रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हमने अपने वार्ड में काम करना है, सफाई करनी है। यही हाल पार्कों का है, बरसात हो गई है, सांप इतने इतने लंबे। आपका माइक म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया।
सांप पकड़ने वाले हैं, आप उनसे बात कर जाएंगे। तो भाई हम पूछना चाहते हैं, हमने काउंसलर्स क्यों बुलाए, हमने नगर निगम क्यों गठित किया, इतना पैसा हम सफाई पे लगा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगा रहे हैं, इतनी मशीनों के ऊपर लगा रहे हैं, तो गंदगी तो फिर वैसे ही है। 2011 से आज की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ चुकी है, और इसका मैं कारण जो है वो नगर निगम के सभी पार्षदों को, सभी कमिश्नर को भी देना चाहूंगी, मेयर्स को भी देना चाहूंगी, कि वो लोग अपने एसी रूम्स में बैठते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि बाहर बारिश का क्या हाल है, और व्यक्ति जो है, एक आम व्यक्ति जो है वो सड़क के ऊपर, जो जनता उनको चुनाव में हर जीत के लेके आई है, वो क्या चाहती है आपसे, वो इतना ही चाहती है कि उसकी सराउंडिंग साफ सुथरी हो। चलिए मैं सिप्रा जी के पास जाऊंगा कि एसी रूम में अफसर बैठे रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 के इलेक्शन का मैनिफेस्टो जारी किया था तो उसमें कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मैं यदि आपसे चर्चा करता हूं, दो ही शहरों का जिनका मैंने नाम लिया उन्हीं का आपसे भी जिक्र करता हूं। आगरा में टोटल जो है 4 आईएएस ऑफिसर होते हैं, एक वहां डीएम होता है, एक म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, वो कई बार आईएएस होता है, कई बार सीनियर पीसीएस होता है। इसके बाद में एक आईएएस होता है जो वहां पर आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का वीसी होता है, और एक आईएएस होता है, सीडीओ होता है, कई बार वो भी पीसीएस होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 आईएएस होते हैं जिले में। इसी तरीके से लखनऊ में भी बिल्कुल सेम स्थिति है। लखनऊ में 2 संसदीय क्षेत्र हैं, एक लखनऊ सिटी, एक मोहनलालगंज, और इसके बाद आगरा में भी 2 संसदीय क्षेत्र हैं, एक आगरा सिटी और एक फतेहपुर सीकरी। इत्तफाक से दोनों जगह वहां पर भी बीजेपी के ही लोग हैं, लेकिन वो बेहतर हुए हैं। जो खराब होते थे, गंदे होते थे, वो सुधरे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के इस पूरे मंत्र को अपनाया, उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट गवर्नेंस का फॉलो किया। चंडीगढ़ में स्थिति डबल हो गई। चंडीगढ़ में जहां 2 होते थे वहां 4 हो गए, जहां 4 होते थे वहां 8 हो गए। आईएएस अफसरों की भरमार है, आईपीएस अफसरों की भरमार है, लेकिन उस और वो चंडीगढ़ जो उनके एक कोने के बराबर, लेकिन यहाँ की स्थिति यह है कि बद से बदतर हो गई। तो क्यों बदतर हो गई, सिप्रा जी ये बताएं, क्या आप लोग जब से नगर निगम में आए, क्या आप लोग नहीं संभाल पाए, या आपका प्रशासन नहीं संभाल पाया, या इसका नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के अंदर आता है, केंद्र सरकार फेल रही है इसमें? जी सिप्रा जी। नमस्कार शुक्ला जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, और दीपा जी का और स्वागत करती हूँ और थैंक यू करती हूँ कि आप सबके साथ आज मिलने का मौका मिला है। देखिए जी, ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो चीजें हैं, अभी आपने एग्जांपल दिया लखनऊ और आगरा का, उनको हम स्टेट की किसी भी सिटीज को हम यूटी के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो स्टेट्स और सेंट्रल सब कुछ है, इसके बाद आप फेल है। मैं अजय जी उसी पे आ रही हूँ। देखिए, यूटी में हमेशा एक ये रहती है अपेक्षा कि वो पहले से बेहतर होगा, चाहे उसमें आबादी बढ़ रही है, चाहे कुछ भी है, कहीं ना कहीं जो अगर मैं आपको दिल्ली के साथ इसकी करूं, एक एग्जांपल लेती हूँ, दिल्ली का एक छोटा सा एरिया लेते हैं, तो क्या हुआ है यहाँ पे जो माइग्रेंट लोग आते हैं वो यहाँ पे उन चीजों को ज्यादा खराब करते हैं। अगर आप ट्रैफिक के मामले में देख लीजिए, आप अगर जो सच्ची में आपको एक चीज है, माइग्रेंट्स का फिगर बता देता हूं। लखनऊ में माइग्रेंट्स की संख्या जो है 10 लाख है, 10 लाख, ठीक है। और अरे सुन लीजिए, और आगरा में भी करीब करीब 11 लाख के आसपास है। तो माइग्रेंट्स की संख्या इन शहरों में भी इतनी है, इससे हो सकता है अब नए फिगर में ज्यादा हो गई होगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसके बावजूद आप कैसे कहेंगे जी। मैं यही कह रही हूँ कि मैं आप ही के पॉइंट्स पे आ रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जी शहर की स्थिति में फर्क नहीं पड़ा है या दिक्कतें, देखिए अगर हम आम नागरिक की तरह देखें तो हमें भी दिक्कत आती है, ठीक है जी, रोड गलियों में जब होता है। पर सबसे बड़ी ये बात आप अच्छे से जानते हैं, दीपा मैम भी अच्छे से जानते हैं, कि फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से जो नगर निगम में आए हैं और हम हर रोज पढ़ते हैं, तो उनकी वजह से कुछ चीजों में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये पतझड़ होती है तो जितना भी ये बेचारे उठाते रहे, लगे रहते हैं, सफाई कर्मचारी भी बाकी भी, पर फिर भी कभी आप देखो जी कभी कोई हड़ताल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सबका एक बैलेंस बना के और समन्वय तरीके से चलने की बहुत आवश्यकता है।
और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जब हम कॉर्पोरेशन में एक हाउस में बैठते हैं वहां पे कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, सब एक परिवार है। तो वहां पे चाहे वो किसी भी पार्षद हो, कोई भी विचारधारा के हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो अकाली के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, सब लोग सेम समस्या से जूझते हैं। तो हमें यह है थोड़ा सा, हमें क्या है कि लोगों को जो कहते हैं ना सिटीजन अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग क्या, अगर आपको कूड़ा इकट्ठा करके फेंकना है, देखिए अब सेग्रीगेशन शुरू हो गई है तो उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। बहुत लोग हमारे सेक्टर में तो बहुत अच्छे से हो रही है सेग्रीगेशन। अब अगर आप, उन्होंने पत्ते इकट्ठे किए किसी सफाई कर्म, वो क्या करते हैं, वो नाली के पास ही कर देते हैं, ठीक है जी। तो वो चीजें तो दिक्कत में आएगी, अगर उन्हें ही हम लिफाफे में डाल के उनको कचरे वाले को दे देंगे तो वो नाली में जाएंगे ही नहीं। ये जो मैं जिस गंदगी की बात कर रहा हूँ, मैं उस घर से निकलने वाली गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उन्हें उठाया नहीं जा रहा है कई कई दिन, तो उन सब स्थितियों के कारण जो स्थिति बदतर हालत हो रहे हैं उस पे बात कर रहा हूँ। घास क्या बात कर रहे हैं, मॉनसून हमेशा से अपने, ठीक है जो मौसम विभाग तय करता है कि जी मॉनसून आएगा, पर हमेशा वो पहले आ जाता है, ठीक है। इस बार देर से आया है, देर से आया है, पर जी वर्क तो सारी जगह घास भी काटी जा रही है, ऐसा तो है नहीं। अब वो भी इंसान है, जितना मतलब कॉर्पोरेशन के पास फंड होगा हर चीज का वो उतना इस्तेमाल करेंगे। अभी आप रोज पढ़ते हैं कि हर रोज ट्रैक्टर के लिए भी एजेंडे पास हो गए हैं, वो चीजें खरीद भी रहे हैं, तो धीरे धीरे समय लगता है। चलिए मैं गर्ग साहब के पास जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, सिप्रा जी बता रही है कि नगर निगम कोशिशें कर रहा है, घास भी काट रहा है, गंदगी भी उठा रहा है, धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं और उसके लिए फंड लगता है, फंड भी मैनेज करना पड़ता है, तो ये सारी स्थितियां, क्या आप पहले भी ऐसे ही होता था? नहीं, मैं शिप्रा जी से इस चीज में थोड़ा सा इसका क्या करें, मैं नहीं मान सकता ये बात। दूसरे पहली बात तो की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, वो फंड्स की कमी सिर्फ दिखाने के लिए है। जो ये सफाई करने वाला जो फंड है वो स्वच्छ भारत अभियान में और अलग डिपार्टमेंट में होता है, उनके पास पैसा बहुत है, ये मुझे पता है अच्छी तरह से, चाहें तो शिप्रा जी देख सकते हैं उनके अकाउंट जाके। दूसरी बात, दूसरी बात, स्मार्ट सिटी अभियान में इतना पैसा है इनके पास जो कि ये खर्च नहीं पाए। अभी कोविड सेस में 25 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठे किए, खर्च नहीं पाए। कितने सारे हेड इनके ऐसे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर खर्च नहीं हो पा रहा, वो पैसे इकट्ठे हैं। दूसरी बात है, ये जो सारी समस्या है, समस्या की जड़ ये नहीं है कि उस पर कॉर्पोरेशन काम नहीं कर रही है, समस्या की जड़ ये नहीं है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, समस्या की जड़ है पंजाब और हरियाणा। वो पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ के मालिक बने बैठे हैं लेकिन वो कभी कंट्रीब्यूट नहीं करते कुछ भी, वो सिर्फ यहाँ की सेवाएं लेते हैं, वो सिर्फ सेवाएं लेते हैं, यहाँ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। जो पंजाब और हरियाणा के जो क्यों करें कंट्रीब्यूट, जब आप केंद्र शासित सूबा हैं और केंद्र का आप वो हैं, तो उस स्थिति में केंद्र आपको बजट का हिस्सा दे रहा है, आपको यहाँ के नागरिक हिस्सा दे रहे हैं, जो वहां से आए लोग हैं वो सारे टैक्सेस दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में, हाँ मैं बताता हूँ ना आपको, 7,000 पुलिस कर्मचारी चंडीगढ़ में है जी। वो ज्यादातर कर्मचारी वो पंजाब हरियाणा के मिनिस्टरों की देखभाल में लगे रहते हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, स्टेट्स अपने अपने गर्ग साहब आपको ज्ञान नहीं है इस चीज का। मैं आऊंगा दीपा जी के पास। दीपा जी, जिस तरह से मैं सिप्रा जी ने जवाब दिया, उस जवाब पे मैं आता हूँ कि वो नगर निगम जो है काम कर रहा है, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं और सारी चीजें, अब इतना फंड नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है, ऐसी स्थिति में समस्या है। शिप्रा जी, जहां तक शिप्रा जी ने कहा, उन्होंने ये बहुत हद तक माना है कि नगर निगम में इन चीजों की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करती होंगी कि उनके